बर्थडे पार्टी पे जिसका नाम है मसल टाउन और ये मसल पावर नाम है। याद में मौजूद हूँ मसल पावर में। ये आप देख सकते हैं मोहम्मद अरबाब की जो है वो जिम की जो है बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। कैस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। कैसे आना हुआ? क्यों क्या क्यों हटाऊ? बात करो। कैस कैलिस्थेनिक्स ट्रेनर है, कैलिस्थेनिक्स कराते हैं लोगों को। नहीं कराते कैलिस्थेनिक्स? ये 5F में है ना? ये रहा भाई भाई, ये रहा मेरा भाई। बहुत मुबारक हो आपको। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए मेहनत करते हुए। कितनी ट्रांसफॉर्मेशन कर डाली? अनलिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन करी है भाई। ये जीनियस है हमारे क्लास के, फर्स्ट आते हैं। आए हम आपकी से देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम फिटनेस ट्रेनर सना और ये है फिटनेस ट्रेनर लाइका। आज हमारे जिम की सेकंड एनिवर्सरी है और हमारे जिम में आई है रिजा मैम। तो आज हम आपको मिलाते हैं रिजा मैम से। रिजा मैम वालेकुम अस्सलाम। करीना मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा लग रहा है आपको हमारे जिम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा जगह और अरबाब के साथ बहुत अच्छा दोस्त है और हमने साथ पढ़ा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया जी। तो अभी आपने देखा कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन पे आए हुए थे और मैम आपकी मोहम्मद अरबाब से मुलाकात कराती हूँ। अरबाब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने मेरे साथ पढ़ा है और माशाल्लाह अपने बैच में ये फर्स्ट आए थे। अरबाब से मैं पूछना चाहती हूँ कि अरबाब ये बताइए कितने साल हो गए इस फील्ड में? जोर से बोलो। ऑलमोस्ट मुझे 8 से 9 साल हो चुके इस फील्ड में। माशाल्लाह भाई, मुझसे ज्यादा साल हो चुके। कितनी ट्रांसफॉर्मेशन करा डाली? ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी करा दी है, मुझे खुद भी याद नहीं है कितनी करवाई है और जितनी भी करवाई है इसमें मुझसे ज्यादा हाथ मेरे उस्ताद सज्जाद रुफत के। सर सज्जाद रुफत तो ग्रेट है माशाल्लाह ना, हम उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, हमारे सर के ताज हैं। बिल्कुल है, जितना भी जो कुछ आते हैं जो भी है उन्हीं की वजह से। सही बात, उस्ताद इज ऑलवेज उस्ताद। अच्छा ये बताइए कि 2 साल में क्या मैसेज है? 2 साल में क्या समझा इस फील्ड में आके, जिम की फील्ड में आके? जिम की फील्ड में आके ये है कि लोगों को फिटनेस की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर कोचेज अच्छे हों तो उनकी डिजीजेज, जो लोगों के अंदर डिजीजेज हैं और कुछ लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं और बहुत से लोगों के मामला हैं जो इससे हल हो सकते हैं हॉस्पिटल जाए बिना। बिल्कुल, सिर्फ जिम आए लोग अपनी एक्सरसाइजेस करें, जिम ना भी आए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। याद रखें बहुत सी डिजीजेज हैं जिससे वो बच सकते हैं। याद रखें सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो होते हैं ना वो आपकी बीमारियां सही करते हैं, लेकिन इसके लिए कोचेस अच्छे होने चाहिए। आजकल कोचेस बहुत से कोच हैं, हर तरह का कोच मिलेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं आता, किसी को आता है। हर बंदा पैसे बनाने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वाकई में एक अच्छा कोच है और आपको मिसगाइड करे, ऐसा नहीं है। कोच अच्छा होगा तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरी है आपके लिए। अरबाब आपको पता है कि रमजान अल करीम माशाल्लाह आने वाला है, अब हम लोग सब उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि रमजान का डाइट प्लान क्या होना चाहिए आपके नजदीक? देखिए डाइट प्लान हर किसी का TD देख के बना जाता है, हर किसी का बॉडी फैट और BMR BMI और वो जितनी भी जो इसके स्टेट्स हैं बॉडी स्टेट्स वगैरह सबको देख के बनाया जाता है। फिर इसके अलावा जो डाइट प्लान बेहतर है रमजान के लिए तो ये आप किसी अच्छे ट्रेनर या कोच से लें आप, तो वो आपको सही तरीके से गाइड करें। फिर भी आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन होनी चाहिए लोगों के लिए? मेरी नजर में ये है कि वैसे ही इंटरमीडिएट फास्टिंग एक बहुत ज्यादा बहुत ही कोई बेनिफिशियल डाइट है, बहुत ही अच्छी डाइट है इंटरमीडिएट फास्टिंग, और वैसे भी रमजान है फास्टिंग वैसे भी रहेगी, तो मेरा ओपिनियन जो है कि रमजान में लोग इंटरमीडिएट ही करें, इससे आपकी स्किन अच्छी, आपकी ग्रोथ अच्छी स्किन की, आपके हेयर अच्छे, आपके नेल्स अच्छे इस डाइट के, और इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट इस डाइट के। अच्छा अरबाब ये बताइए कि कोई एक वाक्य जो तुम्हें याद हो गया, मेरे करियर में एक वाक्य है जिसकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी। भाई एक लड़का था वो हमारे पास आता था, बड़ा थका हारा लड़का था वो, तो बहुत परेशान था वो लड़का। भी मौजूद है यहाँ पे ये लड़का है, इधर आओ, यही लड़का है। चलो भाई मिल लो। हाँ ये लड़का है, इस लड़के की ट्रांसफॉर्मेशन भी की थी हमने, तो इसकी ऐसे की थी कोई, ये ऐसे ही मुझे 8-9 साल इस फील्ड में हुए ना, अभी अब जाके हुए हैं, लेकिन ये मेरा भी सीनियर था। अच्छा। मुझसे भी पुराना था ये। तो थका हारा क्यों था ये? वो कभी सिक्स पैक आए नहीं इसकी बॉडी के ऊपर। ओ रॉन्ग गाइडेंस। कभी नहीं आए, वो जो अभी ट्रेनर वाली बात कर रहा था मैं, कभी इसकी बॉडी के ऊपर सिक्स पैक कभी भी नहीं आए। अच्छा। तो फिर बीच में अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दो अपने, लेकिन अभी बल्क पर है फिर भी
शो ऑफ करवाया। चलो भाई शो ऑफ कर दो भाई, हो गया देख ले भाई। ये बल्क पर है अभी लेकिन फिर भी कंडीशन तो भाई इसका वेट में ऑलमोस्ट 78 के करीब था, मतलब बबलू सर। और अब कितना है? 65 है जिसके ऊपर अच्छी फिजिक है। इसके बाद इसने कंपटीशन भी खेले, 62 केजी पे कंपटीशन भी खेले और फुल एथलेटिक बॉडी। अच्छा ये बताओ तुमने कभी मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर सिंध वगैरह बनाए? मिस्टर पाकिस्तान की तैयारियां करवाई है लेकिन मिस्टर सिंध तो बनाए। गाइस आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि लेवल 3 सर्टिफाइड है अरबाब, और अरबाब जो है वो सर्टिफिकेशंस भी कराते हैं यहाँ पे नॉर्थ कराची के जितनी भी मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं अपने चैनल के रेफरेंस से उनको बताना चाहती हूँ कि आप आएँ अरबाब से और सीखें, आपको बहुत मजा आएगा। अरबाब बहुत अच्छी तरीके से और बहुत नई नई टेक्निक से आपको समझाएगा, जैसे मुझे भी बहुत सारे फॉर्मूला समझाए। तो अरबाब सर्टिफिकेशन कब तक कहाँ तक के करा दी है? लेवल 1 लेवल 2? मैंने ऑलमोस्ट 2 लेवल 1 करवा दिए हैं, 2 क्लासेस जो है लेवल 1 2 बार मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और 1 बार लेवल 2 करवा चुका हूँ इंशाल्लाह। तो आज तो एनिवर्सरी थी जिम के हमारे, अब जो है 3-4 दिन बाद हमारा लेवल 3 स्टार्ट होगा, फिर अगेन दोबारा हम लेवल 1 करेंगे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। अच्छा मुझे एक सवाल करना है, लड़कों को तो ट्रांसफॉर्म करना बड़ा आसान होता है, मैं तो बता दूँ, पता है क्यों? हालांकि तो मुश्किल है, आसान इन दैट सेंस कि लड़के जो है ना वो डाइट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा मसला होता है और लड़कियों में तो होता ही होता है, लड़कों में भी होता है। बिरयानियाँ खाती है भाई, गुलाब जामुन खाते हैं, अंडा परांठा खाते हैं। मुश्किल है लड़कियों का, मुश्किल है डाइट करना, बहुत लड़कियों का डाइट करना मुश्किल है। लड़कियाँ नहीं करती, कभी कोई लड़की ट्रांसफॉर्म करी है? हाँ किए किए लड़कियाँ। क्या मुश्किल हुई? इतनी ज्यादा नहीं, बस आपको उसको मॉनिटरिंग अच्छी करना आनी चाहिए आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकती है, आराम से सकते हैं। तो जिस तरह जब हम जब लेवल्स किया करते थे, हमारा कोच जो हमें समझाता था, हमारा टीचर जो हमें समझाया करता था, सजाद वर्फा जो हमें जिस तरह पढ़ाया करते थे, तो उनके उससे हमें बड़ी आसानी हुई लेवल्स भी करवाने में, ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में भी। अच्छा ये बताइए कोई जोक, कोई तुम्हारे कभी कोई हैपनिंग हुई कभी जिम में, कोई मजे की बात जो तुम्हें याद हो? कोई मजे की बात ये हुई है भाई, एक बार एक लड़का बेंच प्रेस लगा रहा था, तो उसका दोस्त था, तो वो बेंच प्रेस लगा के ऐसे लेटा हुआ था, उसको नहीं पता था बेंच प्रेस लगा के वो बेंच पे ही लेट गया, जो के रूल्स के खिलाफ है कि चेस्ट बेंच जो है बेंच प्रेस लगाई और वो हट गया। रूल्स ये कहता है कि जिम एटिकेट जो है तो आप अपना सेट्स कंप्लीट करो, कंप्लीट करके आप वो मशीन छोड़ दो, लेकिन वो वहीं लेटा हुआ। अब दूसरा बंदा आया, उसने आके वो प्लेट्स एक तरफ से निकाल ली और दूसरी तरफ प्लेट लग गई, तो मतलब 15 केजी लगा मतलब 2 प्लेट उधर थी, एक 5 केजी की 10 केजी की, अब वो 10 केजी की चाहिए थी, वो 10 केजी तो उसने उठा के लगा ली, अब एक तरफ हो गया 5 केजी, एक तरफ हो गया 15 केजी, अब वो वेट लगाने लगा तो उसका हाथ पूरा हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? ये उस वक्त जो भी हुआ फिर सब यानी लुक आफ्टर करना आपने जरूरी है, जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं आप हर चीज को जो है प्रिकॉशनरी देखें, इसलिए बेटर ये है कि आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर लें, वो ज्यादा बेटर है, और स्पेशली जितने ओबीज हैं उनको तो पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहिए, लाजमी है। ट्रेनर की एडवाइस के बगैर कुछ मत करें खुदा ना। अच्छा क्या ट्रेनर आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, नॉलेज वाइज होना चाहिए, अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, जिसको पता हो जिम वाकई में जिम के बारे में, जिम का मतलब वाकई में पता हो, ऐसा ट्रेनर होना चाहिए। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त जो है वो अरबाब 5J में बैठे हुए, 5F में बैठे हुए हैं और मसल पावर इनके जिम का नाम है, और माशाल्लाह ये इस एरिया में बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं, और इनके बहुत फैंस हैं यहाँ पे, और वो इनको भाई बुलाते हैं राइट और जो है ये भाई है, चाहिए कि आप लोग आए और इनसे जो है वो जरूर कांटेक्ट करें। अब बताइए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे अरबाब आप मेरे चैनल के रेफरेंस है? देखिए रिजा इब्राहिम में बहुत ज़्यादा इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये मेरी बेसमेंट भी थी, मेरे साथ पढ़ा भी इन्होंने, बहुत अच्छी ट्रेनर है और बहुत लेडीज़ के हवाले से तो अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन करवाती हैं। जितनी भी लेडीज़ हैं, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो भी लेडीज़ हैं इनके पास आए, किसी के कोई इशू है, किसी का पीसीओस का इशूज़ है, और किसी के बहुत सारे मसले होते हैं फीमेल्स में, अक्सर पीसीओस के इशूज़ होते हैं और फैटी लिवर वगैरह बहुत सारे मसले होते हैं फीमेल्स में, जिसको भी फीमेल्स में कोई भी मसला हो वो रिजा इब्राहिम से कांटेक्ट करें, बहुत अच्छी ट्रेनर है, बहुत ज़्यादा अच्छी। बहुत जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ये आए जरा कैसा अभी तक खड़े होते हैं, सबसे मुलाकात करवाते हैं, ये कौन है? ये अत्ता है,
ये आता है भाई, आता आप क्या करते हैं यहाँ पे? इन्होंने भी मुझसे सर्टिफिकेशन की भाई, इन्होंने भी सर्टिफिकेशन कर ली है, लेवल वन भी किया इन्होंने मेरे पास, लेवल टू भी किया। आप ट्रेन करते हैं लोगों को? प्रीमियम फिटनेस में मैंने भी करी है जॉब। अच्छा, और उसके अलावा कितनी ट्रांसफॉर्मेशन कराएगी तुम अभी? अभी फिलहाल दो करा चुके हो भाई, और बाप से सीखा है, दो तो कराए। चलो जबरदस्त, और तुम क्या मैसेज दोगे फिटनेस की तरफ? बिल्कुल, बेशक सही बात है।